हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ बुल्टी। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बंगाली स्वीट्स, जो है सोंदेश, नारियल के सोंदेश स्वीट्स रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो इसे बर्फ़ी, नारियल के बर्फ़ी। तो सामने ही लक्ष्मी पूजा आ रही है, तो इसीलिए मैं अपने घर में सोंदेश, नारियल के सोंदेश बना रही हूँ, ताकि लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी जी को प्रसाद मिल चढ़ावा दे सकूं। और यहाँ पे मैं नारियल खींच ले रही हूँ बिली के मदद से, देखिए। और आप ध्यान रखें, नारियल खींचते वक्त जब लास्ट नारियल आप खींचते हो, तो उस वक्त जो ब्राउन ब्राउन होते हैं, लाल लाल, तो उस वक्त आप ना खींचे, नहीं तो आपकी जो नारियल उसमें पूरा लाल लाल हो जाएगा और वाइट नहीं रहेगा। और यहाँ पे मैं सोंदेश बना रही हूँ, तो हमें सोंदेश जो है वो वाइट ही बनता है पूरा, तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए, मैं अपना पूरा नारियल, एक बड़ा नारियल ली हुई थी, और यहाँ पे पूरा नारियल खींच चुकी हूँ। तो इसे मैं सोंदेश बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मुझे इसे मिक्सर में पूरा पीस लेना है। बिल्ली की मदद से मैंने इसे ग्रीट तो कर लिया है, खींच लिया है, लेकिन मुझे इससे भी बहुत ही बारीक चाहिए। सोंदेश जो होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट मावा जैसा होता है, बनता है, तो इसीलिए मैं नारियल को पूरा मिक्सर में पीस लूँगी, लेकिन इसमें मैं दूध डालूँगी, ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं मिल्क ऐड करूँगी, 1 ग्लास के बराबर मैं यहाँ पे मिल्क ऐड कर रही हूँ। मैंने एक बड़ा नारियल लिया है, तो 1 ग्लास मैंने बड़ा दूध ऐड कर दिया है। और इसे मैं अभी मिक्सर में पीस लूँगी, बिल्कुल कम से कम 5 से 8 मिनट तक, ताकि हमारा जो नारियल है वो बारीक बिल्कुल पेस्ट जैसा पिस जाए। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल नारियल जो है बिल्कुल पेस्ट बन गया है, बिल्कुल बारीक चाहिए इसे। जब तक आप मिक्सर में पीसें, जब आपको तब तक पीसना है जब तक नारियल जो है बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, बिल्कुल पेस्ट ना हो जाए, बिल्कुल बारीक ना हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, और पैन में मैं 2 चम्मच के बराबर घी डाल दूँगी, और घी को ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, बस घी पिघल जाए तो उसके बाद ही जो नारियल पेस्ट हमने बना मिक्सर में पीसा था, तो वो हम डाल देंगे। घी को ज़्यादा गर्म मत होने दीजिएगा, नहीं तो नारियल जो है वो पैन में चिपक जाएगा, इसीलिए। तो उसके बाद जल जाएगा, तो नारियल जलने के टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं हो लगता है। तो इस तरह फिर चलाते रहना है घी में, आप चाहे तो ज़्यादा और घी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। और यहाँ पे बस चलाते रहना है, मीडियम फ्लेम में इसे मैं चलाते रह रही हूँ। गैस हाई फ्लेम में मत कीजिए, नहीं तो नारियल जो है बिल्कुल जल जाएगा। और कोशिश कीजिए कि आप इसे नॉनस्टिक या पैन या कढ़ाई यूज़ कीजिए, ताकि जलने का चांस ना हो और पैन में चिपकने का चांस भी ना हो। तो इसे बस चलाते रहना है, और जिस जार में मैंने मिक्सर में पीसा था पेस्ट, तो उसी में मैंने दूध ऐड कर दिया है 1/2 ग्लास, और यहाँ पे मैंने 1/2 ग्लास फिर से दूध डाल दिया। बस इसे अभी मिक्स करके चलाते रहना है, और यहाँ पे मैं 1 कप चीनी डाल दे रही हूँ। सोंदेश ज़्यादा ही मीठा लगता होता है, तो यहाँ पे चीनी आप अगर ज़्यादा और भी डालना चाहे तो और भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चीनी 1 कप के बराबर ले लिया है, और इसे बस चलाते रहना है चीनी, जब तक पूरा पिघल ना जाए, डिसॉल्व ना हो जाए, और स्लो फ्लेम में ही इसे पकाते रहिए आप, नहीं तो पैन में चिपक जाएगा। और हमेशा इस तरह चलाते ही रहना है बिल्कुल। तो इसे मैंने पकने रख दिया था करीबन 5 मिनट तक, तो दूध जब तक पूरा ना सूख जाए तब तक हमें इसे पकाना है। नारियल का जितना आप चलाओगे और जितना आप इस तरह चलाते रहोगे, और
जितना आप नारियल को पकाओगे उतना ही सॉफ्ट नारियल बनेगा, उतना ही पकेगा नारियल, तो उतना ही अच्छा बनेगा। और यहाँ पे मैंने 1 कप दूध का पाउडर डाल दिया है, मिल्क पाउडर। अगर आप चाहे तो इसके जगह पे आप मावा भी ऐड कर सकते हो। तो बस इस तरह दूध को चलाते पाउडर जो है मैंने उसे मिक्स कर लिया है ताकि लम्स ना बन जाए। तो मैंने 1 कप ही दूध पाउडर मिल्क पाउडर लिया था, तो यहाँ पहले मैंने आधा कप डाला था और फिर आधा कप डाल दिया ताकि लम्स ना हो जाए। तो यहाँ पे पूरा दूध का पाउडर जो है वो बिल्कुल पिघल गया है हमारे नारियल के साथ और बिल्कुल भी लम्स नहीं है। बस इस तरह चलाते रहना है और ध्यान रखें स्लो फ्लेम में ही चलाते रहिएगा, नहीं तो दूध भी जल जाए या फिर नारियल जल जाए तो सौंदेश का जो टेस्ट है वो पूरा ही ख़राब हो जाएगा, उसका मज़ा ही नहीं आएगा। और सौंदेश का जो मज़ा होता है खाने में वो उसका टेस्ट ही चला जाएगा। तो आप ध्यान रखें स्लो फ्लेम में ही आपको पूरा ये सौंदेश की रेसिपी जो है पूरा बनाना है। और यहाँ पे मैंने सिनेमन डाला है ताकि एक अच्छा खुशबू आए। और यहाँ पे किशमिश काजू बादाम को मैंने बारीक बारीक चॉप करके कट कर लिया है और इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अगर आप चाहे तो सैफ्रन भी ऐड कर सकती, यानी कि केसर। अगर आप केसर ऐड करते हो तो आप इलायची पाउडर मत ऐड कीजिए। तो मैं यहाँ पे सैफ्रन केसर नहीं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया। तो करीबन मैंने इसमें 7 से 8 इलायची लिए थे, तो उससे का ही मैंने पेस्ट कर लिया कूट के और इसमें डाल पाउडर बना लिया, सॉरी तो पाउडर बना लिया इलायची पाउडर और इसमें डाल दिया। और इसे मैं मिक्स करके बस चलाते रहना है। काजू बादाम से, ड्राई फ्रूट से और भी सौंदेश जो है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ध्यान रखिए कि आप जो ड्राई फ्रूट डालोगे उसे बिल्कुल बारीक चॉप कीजिए ताकि सौंदेश में उसका और भी क्रंचीपन अच्छे से आए। और हमारा सौंदेश जो है नारियल उसे बस चलाते रहना है, चलाते रहना है जब तक पूरा दूध जो है पूरा सोख ना जाए और बिल्कुल एक डो जैसे ना बन जाए, तो तब तक बस चलाते रहना है। तो हमारा जो नारियल के सौंदेश है बिल्कुल रेडी हो गया है, यहाँ पे पूरा नारियल पक चुका है। तो इसे हमने अच्छे से पका लिए, तो बस इसे हम अब प्लेट में सेट करने रख देंगे। तो प्लेट में यहाँ पे मैं पहले घी डाल दे रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर और इसे पूरा प्लेट में अच्छे से लगा लूँगी। आप चाहे तो तेल भी ऐड कर सकते हो, पर घी, ट्रस्ट में घी देने से इसका टेस्ट टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो यहाँ पे सौंदे नारियल जो है, नारियल के सौंदे इसमें डाल दिया है मैंने प्लेट में सेट करने के लिए। मैं नारियल को रख दूंगी, बस इस तरफ प्रेस करके अच्छे से सेट करने कर देना है। अपने हाथों से सबसे बेस्ट सेटिंग होती है, तो यहाँ पे मैं भी हाथों से ये अच्छे से सेट करूँगी। बस थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसीलिए स्पैचुला की मदद से मैं बस इसे कर दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसे हाथ से ही सेट करूँगी। अगर आप चाहें तो हाथ में थोड़ा सा घी भी लगा के इसे सेट कर सकते हो और इस तरह धीरे धीरे बस सेट कर लेना है। अगर आपके पास कोई स्क्वायर प्लेट या फिर केक बनाने का जो स्क्वायर बाउल टाइप आता है वो, उसमें भी आप इसे सेट कर सकते हो, उसमें और भी अच्छे से बर्फी आपकी रेडी हो जाएगी। जो शेप है वो अच्छा आएगा। तो देखिए बिल्कुल हमारे जो नारियल अच्छे से सेट हो चुका है। तो बस इसे मैं अभी कट कर लूंगी। इसे सेट करने के बाद बस छुरी से धीरे धीरे कट कर लेना है और उसके बाद इसे आप फ्रिज में रख सकते हो 2 से 3 घंटे तक ताकि और भी अच्छे से सेट हो जाए। तो उसके बाद बिल्कुल ठंडा ठंडा सौंदेश और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल मावा के मिठाई की जरा। बस
बस धीरे धीरे कट करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा, इसीलिए तो इसे मैं बस सेट करने के बाद बस तुरंत ही कट कर ले रही हूँ, ताकि इसे सेट करने जब हम रखेंगे 2 घंटे के बाद तो आप कट नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ तभी टूटने तभी बहुत ही कड़क हो जाएगा ना, इसीलिए, और टूटने का भी चांसेस है, बिकॉज़ सॉन्देस्ट वैसे भी कड़क नहीं होता है ना, बट सॉफ्ट होता है, तो इसीलिए और भी टूटने का चांस होगा। तो यहाँ पे बस छुरी की मदद से आप कट कर लीजिए इस तरह धीरे धीरे, और कोई भी शेप आप ऐड कर सकते हो, मीन्स दे सकते हो, चाहे बर्फी स्क्वायर या फिर डायमंड शेप, जो भी आपको अच्छा लगे वो शेप आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे जस्ट बेसिक स्क्वायर शेप दे रही हूँ। धीरे धीरे बस इसे आप स्क्वायर शेप दे दीजिए, तो और इसे स्क्वायर शेप देने के बाद बिल्कुल हिलाइए मत, और जस्ट आप डीप फ्रिज में, या सॉरी डीप फ्रिज में मत, नॉर्मल फ्रीजर में आप रख दीजिए 2 से 3 घंटे तक, उसके बाद निकाल के देखिए, बिल्कुल आपका सौंदेश जो है बिल्कुल सेट हो जाएगा, और फिर आपका सौंदेश जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और इसे आप किसी भी पूजा में भगवान को प्रसाद चढ़ा सकते हो, तो चाहे वो जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, या फिर किसी भी पूजा में, या फिर लक्ष्मी पूजा में, किसी भी पूजा में इसे ऐड कर प्रसाद चढ़ा सकते हो, या फिर गेस्ट आ रहे हो घर पे उन्हें भी आप मीठा कुछ मीठे डेजर्ट में सौंदेश सर्व कर सकते हो। तो देखिए बिल्कुल स्क्वायर शेप में मैंने कट कर लिया है, 2 घंटे यहाँ पे सेट करने रख दी थी मैंने करीबन 2 घंटे तक, तो यहाँ पे से तो स्क्वायर शेप में मैंने कट कर लिया है, देखिए। तो इस तरह हमारा सौंदेश जो है बिल्कुल रेडी हो गया, और बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही स्वादिष्ट बना है, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और इस तरह किसी भी एयर कंटेनर में आप रख सकते हो। तो यहाँ मैं यहाँ पे किसी भी आप कंटेनर में रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे मिठाई का बॉक्स मेरे घर में है, तो मैं यहाँ पे मिठाई के बॉक्स में रख दे रही हूँ, बिल्कुल मार्केट स्टाइल मिठाई। हमारा सौंदेश जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, शॉप में अगर आप जाओ तो इसी तरह मिठाई के बॉक्स में आपको सौंदेश मिलता है। तो अगर आप पूजा या किधर भी जा रहे हो, भगवान के मंदिर, घर से ही बना के लेके जाइए सौंदेश, और भगवान को चढ़ाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बना है सौंदेश। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा है हमारा सौंदेश बंगाली स्वीट्स। और घर में अगर कोई गेस्ट आया हो तो इस तरह प्लेट में आप सौंदेश को डायमंड शेप में कट करके दे सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।